हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रिस्पायरेशन जो है वो ह्यूमन बींग में कैसे होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रिस्पायरेशन जो है प्लांट्स में कैसे होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमन बींग्स में रिस्पायरेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसको हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग्स एंड दिस रिस्पायरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्योंकि रिस्पायरेशन में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये मेन मोटो है हमारा। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मेन एम है कि गैसों का एक्सचेंज हो जाए, यानी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाए और बॉडी से बाहर क्या आए, CO2 आए। ओके, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। तो हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और ये आपको इतना पता है कि हम रिस्पायरेशन जो है दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। ओके, तो हम लोग पहले पार्ट्स देख लें कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट्स होंगे उसको हम लोग नोट कर लें। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इज नॉस्ट्रिल्स, सेकेंड इज नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर। ओके, थर्ड इज फैरिंग्स, फोर्थ इज लैरिंग्स, फिफ्थ वन इज विंड पाइप, सिक्स्थ इज ब्रोंकाई, सेवेंथ इज ब्रोंकियोल्स एंड लास्ट वन इज एल्वियोलर सैक। देखिए भाई, रिस्पायरेशन में ह्यूमन बीइंग में एक अलग से स्पेशलाइज सिस्टम है, इसको हम लोगों ने देख लिया है। पहला पार्ट्स नॉस्ट्रिल्स है, सेकंड है नेजल कैविटी, थर्ड है फैरिंग्स। फैरिंग्स के बारे में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, फैरिंग्स एक कॉमन प्लेस है, मैं आपको बताया था लास्ट क्लास में उस वीडियो में, है ना। क्योंकि फैरिंग्स जो है कॉमन प्लेस है और फैरिंग्स में बेसिकली डाइजेशन भी नहीं होता है, बस फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो आगे की ओर कन्वे कर देता है। तो ये कॉमन प्लेस है, यहाँ से गैस का भी एक्सचेंज होगा। उसमें मैं बतलाया था कि फैरिंग्स जो है वो तीन तरह का होता है, ओरो फैरिंग्स, नेजो फैरिंग्स एंड लैरिंगो फैरिंग्स। तो यहाँ पे लैरिंगो फैरिंग्स और नेजो फैरिंग्स आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें और हम लोग एक एक करके इसमें से देखेंगे। नोट कर लिए, गुड। तो इसको हम मिटा देते हैं। नॉस्ट्रिल्स में हम लोग लिखेंगे क्या, इट इज द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ, इट इज द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। सेकेंड क्या हो जाएगा, नेजल कैविटी, इट इज द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, एयर कम्स थ्रू
nostrils inside the cavity, inside the nasal cavity. In this cavity, air get moist and cooled and filtered by hairs. थर्ड पार्ट क्या होगा? थर्ड पार्ट इज फायरिंग्स. इसमें हम लोग नोट कर लेंगे, इट इज ए कॉमन प्लेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज conduction of food. ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें. नोट कर लिया आपने? मिटा दें. लैरिंग्स के बाद लैरिंग्स एयर गोज इनसाइड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस. Due to air goes inside for production of voice, it occurs due to vibration of vocal cords, due to vibration of vocal cords. Okay, next one is windpipe or trachea. इसमें लिख लीजिए, it is a wide tube which carry air towards the bronchi. ठीक है, तो ये ट्रैकिया और विंड पाइप है. इट इज ए वाइड ट्यूब विच कैरी एयर टुवर्ड्स ब्रोंकाई. इट इज गाइडेड बाई सी शेप्ड. इट इज गाइडेड बाई सी शेप्ड cartilaginous rings, cartilaginous rings for collapse, for preventing collapse. ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें. इसमें हम लोगों ने लिखा है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स लैरिंग्स. एक्चुअली क्या है, लैरिंग्स इज ए
वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स, और इसमें साउंड या वॉइस का प्रोडक्शन होता है, और ये प्रोडक्शन तब होगा जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे। इट ऑकर्स ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। नेक्स्ट वन इज विंड पाइप और ट्रैकिया। इट इज़ ए वाइड ट्यूब विच कैरी एयर फ्रॉम एयर टूवर्ड्स द ब्रोंकाई फ्रॉम लैरिंगोफैरिंग्स। ठीक है, तो दिस इज द ट्रैकिया। आप इसको इजिली फील कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम लोग लिख लें ब्रोंकाई। नेक्स्ट पार्ट क्या है? ब्रोंकाई। तो इसमें आप जान लें ट्रैकिया फर्दर डिवाइड्स इंटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। इट्स डायमीटर इज 30 लेस इन कंपैरिजन टू विंड पाइप। इट कैरीज एयर फ्रॉम विंड पाइप टू ब्रोंकियोल्स। तो नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? ब्रोंकियोल्स। इसमें क्या होगा? ब्रोंकाई जो है इस तरह से, दिस इज द विंड पाइप, दिस इज ब्रोंकाई, एंड अगेन इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू और थ्री ब्रांचेस। दीज आर ट्रैकिया, दिस इज ब्रोंकाई, एंड दिस इज ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो ये ब्रोंकियोल्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ ब्रोंकाई। तो इसको लिख लेंगे, इट इज द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इट इज द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई। इट इज द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई विच कैरीज एयर विच कैरी एयर टुवर्ड्स एल्वियोलाई। ये क्या करता है? एल्वियोलाई तक एयर को कैरी करता है। तो नेक्स्ट पार्ट इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इसमें हमने लिखा है ब्रोंकाई, है ना, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। ट्रैकिया, ये हम लोग के नेक में पाया जाता है ट्रैकिया, ये डिवाइड होगा फर्दर, उसको कहेंगे ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से फर्दर जो डिवीजन होगा दैट इज टू पार्ट्स और थ्री पार्ट्स, दिस पार्ट इज नोन एज ब्रोंकियोल्स। एक्चुअली इसका काम क्या है? रेस्पिरेटरी गैसों का सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो इसको आप नोट कर लिया आपने। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एल्वियोलाई। व्हाट इज एल्वियोलाई? या एल्वियोलर सैक,
इसमें हम लोग नोट कर लेंगे, इट इज न्यूमरस बैलून लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज न्यूमरस बैलून लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर. It is the structural and functional unit of lungs. ये हमारे lungs का क्या है? Structural और functional unit है, ठीक है? कैसा होगा? जस्ट इमेजिन कीजिए कि इस तरह से क्या होगा, इसमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, न्यूमरस है ना, तो इस तरह से बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो इसको आप क्या कहोगे? दीज आर एल्वियोलाई. अब इसमें क्या होगा, जैसे ही इस पार्ट में ईयर आएगा, ये ईयर जो है इसमें इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद ये फूल जाएगा, है ना, ये स्वेल कर जाएगा. तो एल्वियोलाई जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है. एल्वियोलाई जो है ये थिन मेम्ब्रेन से बना होता है, इसमें हम लोग नोट कर लेंगे. इसको आप समझ गए, ये वेरी थिन होता है. इट इज मेडअप ऑफ, इट इज मेडअप ऑफ थिन मेम्ब्रेन, इट इज मेडअप ऑफ थिन मेम्ब्रेन हैविंग हाई ब्लड सप्लाई, हैविंग हाई ब्लड सप्लाई, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई, ठीक है? तो गैसियस एक्सचेंज यहीं पे होता है, और इस तरह से एयर जो है बाहर से बॉडी के आउटर साइड से अंदर एल्वियोलाई में पहुंचता है. इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को, साइंसिया क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है ना, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना, और इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. धन्यवाद.